बहुत बहुत औसम, बहुत औसम। इससे अच्छा पिक्चर कहीं देखा ही नहीं आज के टाइम पे। निखिल सिद्धार्था के बारे में क्या कहेगा जो हीरो है? निखिल सर बहुत बढ़िया एक्टिंग है, एक नंबर, एक ग्रेट। बॉलीवुड के एक्टर लोग को इनसे सीखना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। इस मूवी में अनुपम खेर थोड़ा उनके बारे में, अनुपम खेर का जो कैमियो था वो बहुत बेहतर था। उन्होंने जो तरीके से स्टोरी बताया और वो यू टर्न था ना, वो बहुत ही बेहतरीन था। एंड में जिन्होंने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा उनके किस खास तरीके से अपील कीजिएगा जो किस मूवी को? सबको एक बार ये मूवी देखनी चाहिए, जिसने नहीं देखा वो बहुत बड़ा चीज़ खो रहा है। बस यही बोल रहा है। कितना देंगे सर? 5/5 फाइव आउट ऑफ फुल फाइव। कैसी लगी मूवी? एक नंबर मूवी है भाई। नाइस। कैसी लगी मूवी आपको? एक नंबर भाई। निखिल सिद्धार्थ का काम कैसा लगा आपको? जो हीरो है हमारे निखिल, हीरो 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 क्या कहेगा? कहानी की बात करें तो कहानी कितनी अच्छी लगी? स्टोरी भी अच्छी है, एक्टिंग भी अच्छी है, प्लस मान गया न्यू एक्टर है जी सर, तो बहुत अच्छी मूवी है। आगे बढ़ गया मान गया वो बहुत माइथोलॉजी एंड साइंस के ऊपर कहानी है इसकी। दोनों वाले के नहीं बताया है कि मान लिया अभी क्या है कि भाई साइंस भी चल रही है, दोनों चल रहा है, तो मीन्स वो अच्छी मूवी है। इस मूवी में अनुपम खेर, हाँ, काम कैसा लगा आपको? वो तो गोल्डन स्टार है यार, उनका क्या आप पूछ रहे हो, वो तो एनी टाइम चलते वो। रेटिंग कितना देंगे? 5 में से? हाँ 5 में से रेट करना होगा। 4। थैंक यू। काफ़ी अच्छा था जी। कार्तिक है ना? जी कार्तिक यार। वेरी गुड, वेरी गुड, आई रियली लाइक इट। निखिल सिद्धार्थ के बारे में बात करें तो उनका काम कैसा लगा आपको? फैंटास्टिक। इस मूवी में अनुपम खेर भी हैं? यस, अनुपम खेर हैज डन अ वेरी वेरी हाईली इम्पैक्टफुल रोल एंड इट वॉज वेरी गुड। सर इस मूवी की कहानी है जैसे माइथोलॉजी एंड साइंस के ऊपर, ऐसी फिल्में बहुत कम बनती है, करेक्ट, तो उस बारे में क्या कहेगा ऑडियंस? अच्छा था, इट वॉज अ प्रीटी, इट वॉज लाइक इंडियाना जोन्स, गोल्डन कंपस, गोल्डन कंपस नहीं, इंडियाना जोन्स मोस्टली, एंड आई थिंक अनचार्टेड भी ऐसा था, डाविंची कोड भी ऐसा था, सो इट वॉज प्रीटी गुड। क्या बात है। यस सर, इस मूवी में अनुपम खेर भी हैं उनके बारे में? अमेजिंग, अमेजिंग एक्टर, ही इज अ वेरी हाई इम्पैक्टफुल रोल। अच्छा, जिन्होंने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा उनको किस खास तरीके से अपील की? नो, इट इज डेफिनेटली वर्थ सीइंग जी सर। दे हैव शोन, दे हैव कंबाइंड द माइथोलॉजी विद द साइंटिफिक थिंग जी सर। दे हैव शोन द्वारका, दे हैव शोन मथुरा, दे हैव शोन अदर हिस्टोरिकल प्लेसेस व्हिच इज प्रीटी गुड, सो आई थिंक एवरीवन शुड सी दैट। अगर मूवी को रेट करना तो 5/5 कितना करेंगे? आई विल गिव 3.5 स्टार्स। सो व्हाट अबाउट अनुपम खेर का जो